वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल india.com। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा और ये आप थंबनेल से देख लिए होंगे कि कोल इंडिया लिमिटेड जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का आपका पेपर हुआ था 27 फरवरी को, उसका रिजल्ट दे दिया गया है। तो इसमें आपके जो मैं पहले दिखाने जा रहा हूँ, आपको सिविल इंजीनियरिंग का दिखाने जा रहा हूँ जिसका पोस्ट कोड आपका 14 था, और उसके बाद हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देखेंगे। इसमें देखेंगे कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद ये भी देखेंगे कि कितना कट ऑफ गया है दोनों ब्रांच में। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। तो वीडियो को देखने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अगर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग का, तो सिविल इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि रोल नंबर भी दिया है सीरियल वाइज के बाद, उसके बाद कैंडिडेट्स का नाम दिया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे कि आपका नाम ए से शुरू होता है तो आपका ऊपर में दिखाया गया है, ये नहीं है कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग दिखाए गए हैं, तो आप इस कन्फ्यूजन में न रहें। ये अल्फाबेटिकल नंबर में रखा गया है, जैसे कि ए हुआ, फिर उसके बाद बी वाले नाम के आएंगे, फिर सी वाले नाम के आएंगे, इस तरीके से इन्होंने रखा है। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में आपके टोटल 200 से ऊपर कैंडिडेट्स को रखे गए हैं। तो आप देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो आपके आप अपना नाम इसमें सर्च कर सकते हैं खुद से। इन दोनों के जो PDF होंगे सिविल और मैकेनिकल के, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप लोग कुछ देर में मैं डाल दूंगा इस वीडियो पब्लिश होने के बाद, तो आप लोग वहाँ से दोनों को डाउनलोड करके देख सकते हैं अगर आपको यहाँ कहीं पर नहीं मिलता है। तो टोटल स्टूडेंट हैं इसमें सिविल इंजीनियरिंग में आपके 221 यानी कि 221 स्टूडेंट योगेंद्र शर्मा तक आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद हम अगर बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ का, यानी कि CBT में जो आपके कट ऑफ गए हैं शॉर्ट लिस्टिंग जो इंटरव्यू के लिए हैं उसके बाद, तो आपको पता है कि इसके बाद इंटरव्यू भी होगा, तो उसके पहले आपका ये कट ऑफ पार करने थे। तो इसमें जनरल UR के आए हैं 157, SC के 141, ST के 140 और OBC NCL के 150 हैं। एक चीज़ यहाँ पे घट रहा है कि EWS का जो है यहाँ पे कुछ कट ऑफ नहीं दिया गया है, क्योंकि उनके भी पेपर लिए गए थे, तो वो अभी कुछ देर बाद अगर जारी करते हैं या क्या है उनका क्रिटेरिया, ये आप लोग अपने देख लेना जो EWS कैंडिडेट्स वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले से थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है आपका कट ऑफ में। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो मैकेनिकल के देखने के लिए हम दूसरा PDF देखते हैं। तो उसमें आपका क्या है, तो उसमें आपके बहुत सारे सीटें थी, तो बहुत सारे इंटरव्यू आपके बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि आपके कितने स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्शन लिए हैं। तो इसका जो पोस्ट कोड था आपका 13 था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और ये भी जो हुआ था आपका 27 को, यानी कि सेम डे को आपका पेपर हुआ था सिविल के साथ। 3 शिफ्टों में या 2 शिफ्टों में शायद इसका भी पेपर लिया गया था डिफरेंट सेंटर पे। तो यहाँ पे भी ये मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ भी अल्फाबेटिकल नेम के अकॉर्डिंग रखा गया है। तो जैसे जैसे आप अपना नाम को सर्च करना चाहते हैं उसमें आप स्क्रॉल करके नीचे में आ सकते हैं, सीरियल नंबर वाइज, रोल नंबर और आपका नाम के तहत आप सर्च कर सकते हैं। और इनको आपके पास ये PDF अवेलेबल नहीं है तो हम अपने जो वीडियो जो चल रहा है अभी, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ से आप हमारे चैनल को या अपने टेलीग्राम पर जाने के बाद india.com सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे ये चैनल मिल जाएगा, तो आपको वहाँ पे ये दोनों PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। तो अब टोटल कैंडिडेट्स की हम बात करते हैं फ्रेंड्स। टोटल कैंडिडेट्स इसमें जो सिलेक्ट हुए हैं वो 800 से ऊपर में कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं। इसका भी हम लोग कट ऑफ दिखाएंगे आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितने हैं कैंडिडेट टोटल, तो 8 से भी ज़्यादा हैं फ्रेंड्स, यानी कि 882 कैंडिडेट्स टोटल योगेश तक जो नाम है वहाँ तक आपका सिलेक्शन हुआ है। अगर हम आपका इसमें शॉर्ट लिस्टिंग करने का जो क्रिटेरिया है और जो कट ऑफ है इसका हम उसकी बात करते हैं, तो जनरल में UR कैंडिडेट के लिए यानी कि 154 गया है कट ऑफ, SC का 139 गया है कट ऑफ, ST का 133 गया है, OBC NCL का 149 गया है। तो ये अभी मैकेनिकल वालों के लिए एक अच्छी चीज़ें हैं कि सीट ज़्यादा हो और स्टूडेंट भी ज़्यादा सिलेक्ट हुए हैं और उसके बाद कट ऑफ भी इनके कम गए हैं। तो होप सो मैक्सिमम स्टूडेंट के यहाँ पर सिलेक्शन हो गए होंगे, अब उनको इंटरव्यू फेस करना होगा। तो इंटरव्यू का अगर वीडियो आप लोग चाहते हैं सिविल हो या मैकेनिकल हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर भी जरूर करें। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।